चैनल पुआ का नटखट लड्डू। आई होप आप सब लोग बताओ यहाँ पे लड्डू बहुत अच्छा और जो भी बहुत अच्छा है। गाइस आज हम लोग कर रहे हैं किचन की सफाई, आप देख सकते हो हमने सारे मसाले सूखने डाल दिए हैं। आज हम करने वाले हैं किचन की सफाई और हमने सारे मसाला सूखने डाल दिए हैं। यहाँ डिब्बे आधे धुल चुके हैं और यहाँ दीदी लगातार धुलने में लगी हुई है, बहुत बिजी है। अभी प्लास्टिक वाले सारे डिब्बे धुल दिए थे, अब स्टील वाले धुलने स्टार्ट कर दिए हैं दीदी ने। और लड्डू दादी कर रही हैं पूजा। हम सुबह से ही लग गए थे किचन साफ करने के लिए, यहाँ जो जो लेटा हुआ है देखो, जो जो को देखने आई है बाबू। बाबू जो जो कहाँ है, जो जो कहाँ है बता दो। अच्छा जो जो कहाँ है बता दो, जो जो कहाँ है। हाँ वेरी गुड, कहाँ है बाबू। बाबू जो जो कहाँ है बाबू, जो जो कहाँ है बेटा, जो जो ये है जो जो बाबू, जो जो कहाँ है, जो 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 ये है जो 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 जो। हाँ जो जो को बुला लो, पकड़ाऊंगी की वजह से कल रात में ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और मॉर्निंग में हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी देखिए अभी, बट धूप निकली आई है, कड़ाके की धूप निकली आई है और हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी चल रही है। लेकिन रात में और सुबह मॉर्निंग में बारिश हुई थी और हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी एकदम से। जो जो क्या खाओगे, अच्छा बताओ सबको क्या खाओगे, कुछ खाना भी है आपको या नहीं। ये राजा बाबू बन के बैठा हुआ है गाइस, इसको मैंने अच्छे से अभी नहला नहीं रही हूँ क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में और अभी ये बिल्कुल तबीयत से रिकवरिंग करके निकला है, तो इसकी तबीयत अभी ठीक हुई है, तो मैंने सोचा थोड़े दिनों के बाद ही नहलाऊँगी जब कड़ाके की धूप पड़ेगी। सब लोग बोलते हैं कड़ाके की ठंड, मैं बोल रही हूँ कड़ाके की धूप। और मैं इसको देती हूँ दही चावल ना, जो जो हमारा जो जो दही चावल खाता है, कभी खिचड़ी मूंग की खाता है, इसके जो जो इसलिए मैं खिला रही हूँ जो जो को। खा ले बेटा, बेटा खा ले जो जो, क्या बात है मेरा मुच्छू है मेरा छोना है, छोना मेरा छोना बाबू है, ये मेरा लाड लाला है, सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे मस्त बच्चा है। इसको एकदम क्लीन बना देती हूँ गाइस, सुबह से ही इसको डिटॉल से वॉश कर देती हूँ। देख रहे लड़ाई कर रहा, क्या हप्पा चाहिए, हप्पा चाहिए मेरे बाबू को, हप्पा चाहिए, हप्पा चाहिए। हाँ लड़ाई कर दो, लड़ाई करो खूब लड़ाई, हप्पा खाएगा लाने जा रही हूँ मैं। मैंने जो फूल मंगाए थे प्लांट रोज के, कुछ इस तरह के लिए हैं। और इसमें ये देखिए मेरा सुंदर सा फूल निकल गया है, इसमें भी ये रह गया है, अभी इन दोनों में रह गया है। मिर्च के पौधे लगा देना जो वो बेहतरीन पौधे हुए हैं,
अब गाइस मुझे नहीं पता कौन से बेहतरीन पौधे हुए हैं। दीदी का मानना है कि बेहतरीन भी पौधे होते हैं। नहीं, मिर्च वाले ही, अचार के मिर्चे जो लगाए हैं वो लगा दो। ये मैंने भिंडी के पौधे लगाए थे, ये आ चुके हैं भिंडी के पौधे। मैंने लंच में बनाया है राइस और छोले की सब्जी। यहाँ आटा मैंने गूंद के रख दिया है और बनाए मैंने जीरा आलू जो हमारे सबके फेवरेट हैं। और मैंने इसमें कड़ी लीव्स भी डाली है, कड़ी पत्ता लीव्स जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। यम्मी गाइस, ये देखिए ना प्लेटफॉर्म है, ना बस स्टेशन है, ना हवाई अड्डा है और ना ही ये रेलवे प्लेटफॉर्म है और ना ये तीर्थ स्थल है। ये घर का ही नज़ारा है। ये यात्रीगण बहुत थक गए हैं वैष्णो देवी और पूर्णागिरी की चढ़ाई करते करते। यहाँ देखिए घोड़े बेचकर घर्राटे ले रहे हैं और सो रहे हैं, बेफिकर नींद लिए जा रहे हैं। इन्हें कोई होश नहीं है कि हम कहाँ पे हैं। ये नज़ारा कहीं बाहर का नहीं है, ये नज़ारा घर का ही है। लड्डू क्या कर रहे हो? अच्छा नहा रहे हो? कैसा मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है, मजा है। इधर तो देख के बता दो कितना मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं लग रही है। अच्छा इधर देख के दिखाओ, इधर ठंड लग रही है? नहीं। अरे नहीं लग रही है। अरे यार क्रीम पाउडर वाला भी सुना दो यार, इधर देख के इधर। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत अच्छा जानता। और माठू 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 हाँ इधर देखो पहले मेरी तरफ। हाँ इधर देखो पहले मेरी तरफ। मछली जल की रानी वाला अरे वाह। इधर देखो मेरी तरफ इधर। अब हाथी राजा वाली अरे ये तो बहुत बढ़िया सुना दिया। अब मम्मी की बिंदी इधर देख के। हाँ एक बार और सुना दो बात। एक एक और मम्मी की गुंदी बिंदिया वाला इधर देख कर। हाँ चलो फिर चले, बहुत नहा लिया अब चलो। हाँ तो नहा लिया अब चले, थोड़ा सा बचा है। पहले इधर देख के बता दो वो वाला बिंदिया वाला। हाँ हाँ मैं बैठ रहा हूँ, पहले बिंदिया वाला सुनाओ पहले। अब नहीं सुना, बहुत मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। चलो अब चलते हैं, बहुत नहा लिया। आओ वो वाला सुनाते हुई माँ में कान चल लगा कैसे करके है। अरे और वो उल्लू वाला, उल्लू बनाया वाला, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। इधर देख के सुनाओ। अब कमरिया वाला अरे ये तो बहुत मजा आ रहा है। अरे बहुत मजा आया, चलो यार बहुत नाली अब चले। हाँ कौन नहलाता है आपको? पापा। इधर देखो कौन नहलाता है? पापा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है मम्मा। ये बहुत अच्छा मौसम है जो जो मेरा यहाँ पे बंदा है, क्योंकि ये धूल मिट्टी खा रहा है। डॉक्टर ने कहा इसको कुछ दिन और बांध के रखना। और बहुत प्यारी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। यहाँ लड्डू की बुआ खड़ी हैं, देखो क्या कर रही हो लड्डू की बुआ। ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही हूँ।
और कैसा लग रहा है आज मौसम? आज तो मौसम बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा बिल्कुल ठंडा, कूल कूल, डरमी डरमी, कूल कूल हवा, इतनी ठंडी चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंड भी लग रही है ना जोजो, ठंड लग रही है जोजो, बॉल लिया है, बॉल के साथ खेलोगे जोजो, बॉल लिया जोजो, बड़ा वाला बॉल लिया, लड्डू वाला बॉल लाओ। हाँ सर, रियली बहुत मजा आ रहा, बहुत अच्छा बहुत मौसम अच्छा है, गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है आज, बारिश आने का मौसम और आंधी तूफान का भी लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम, वाह क्या ठंडी हवा चल रही है, ये देख सकते हैं आप मेरा लीची का पेड़ कैसा लहरा रहा है, और मेरा जोजो यहाँ पे खुलने के लिए तैयार है ना जोजो, मिट्टी नहीं खाओ, नहीं नहीं गंदी बातें होती है, मिट्टी मत खाओ, तभी बांधा है हमने, मिट्टी नहीं खाओ। दादी आज मौसम बहुत अच्छा है, कैसा लग रहा है आपका मौसम, मजे आ रहे हैं ठंडे ठंडे मौसम में? जोजो को खोल दो जोजो, और मैं बहुत दिनों से खेले नहीं है, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है आज तो, बहुत वहाँ लड्डू का अभी फोन आया था, बोल रहा था कि वहाँ पे बारिश हो रही है और अभी रुकी है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसके फ्लावर्स देखिए वाइट कलर के, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो हर श्रृंगार है, गाइस देखिए एक बात दीदी ने 16 आना सच कहा है, आपने भी गैस करा होगा इस बात के लिए कि हर श्रृंगार के फूल बिल्कुल करौंदों के फूल के जैसे लगते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हर श्रृंगार ही है, मिट्टी ना खाए तभी तो मैंने इसको बांधा, आज तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत हल्का मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट नहीं है ये, जोजो पकड़ ले, पक्का ले ले, जोजो हवा आ रही है ना, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्यों परेशान हो रहे बेटा, आपको खोल देते तो मिट्टी खाते, डॉक्टर ने आपको क्या कहा था कि मिट्टी नहीं खाना, और आप वही बातें करते हो, मिट्टी खाते हो, इसलिए हमने आपको बांध के रखा है, हमारी दादी बैठी है, हवा खा रही है, ठीक हो गया, इसलिए हम बहुत हैप्पी हैं ना जोजो, और यहाँ देखो इसलिए हम हैप्पी हैं ना जोजो, दीदी का खुशी का राज है, जोजो जोजो सही हो गए तो दीदी भी खुश है भाई, आज भी हम अब हम पार्टी करेंगे, कौन सी पार्टी करेंगे जोजो, पार्टी करेंगे, भाई अब तो शादी भी आ गई, उसमें तो मैं अपनी पसंद का लगाऊंगी, सो पीस वाला नीचे ऐसे लटक रही है, बड़े अच्छे करेंगे, माता श्री आपको ये कैसी लग रही है बताओ, लड्डू की बुआ कैसी लग रही है, मोटी लग रही है या पतली लग रही है आप बताओ, अच्छा चलो जजमेंट करो, इनकी सेहत का राज बताइए आप, और बताओ कि ये थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ है कि हर बार के बेइज्जती करो, अच्छा नहीं तो कितने टाइम खा रही हैं आजकल ये खाना जो कम हो गया, तीन टाइम तो खा ही रही है, लो तीन टाइम खा रही हैं और आप कह रही हैं कि कम हो गया, अभी इनका कम नहीं हुआ है, भर भर के चालू है,
तो आपने क्या सोचा है, कुछ नई डिश सोची है आपने कुछ बनाने की? नहीं सोची है, कड़ी खाने की इच्छा हो रही, कड़ी खाएंगे भर के। हाँ भर के खाओगे फिर वजन बढ़ा लोगी। और क्या, कड़ी तुम्हारी फेवरेट है। जो जो हमारी फेवरेट है, जो जो हम कड़ी खाएंगे, जो जो तो दही चावल खाएगा हम कड़ी खाएंगे, जो जो तो दाल चावल खाएगा, जो जो के लिए खिचड़ी खाएगा और कड़ी चावल हम खाएंगे, जो जो क्या खाएगा, दही चावल खाएगा, दही चावल खाएगा, दही चावल खाएगा ये जो जो। ये आपकी सेहत का राज है भाई, और कुछ नहीं। हाँ कड़ी आपको बहुत पसंद है? कड़ी हमारी फेवरेट है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है सारी। अच्छा तभी कड़ी जैसी हो गई हो। और क्या, कड़ी जैसी खाओ, कड़ी जैसी हो जाओ। अच्छा आज तो आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है। और क्या, देखो चमका दिया उनकी बहन ने भाई। हमने ही मसाज करी है आपकी, फ्रूट मसाज। आज तो आप छोले बेचने वाली बन गई हो फिर। छोले गरम, छोले छोले खाओ छोले। हम तो नहीं खाएंगे छोले, हम तो खाएंगे शिमला मिर्च पराठे, चावल बनाएंगे, जो जो के लिए बनाएंगे चावल। जो जो कौन कौन खाएगा चावल? जो जो खाएगा चावल? आज जो जो को खाना नहीं देंगे? जो जो आज जो जो को खाना नहीं देंगे क्यों? जो जो देखो, जो जो बुआ बन गई है बाबा रामदेव, इनसे अभी एक भी स्टेप करवाएंगे ये कर नहीं पाएंगी, नहीं कर पाएंगे। सिर्फ क्या आते नहीं है, उस अवस्था में बैठी है बाबा रामदेव की बस। आपसे एक भी स्टेप पूछेंगे आप कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाएंगे। कपाल भाती कर लो, अलोम विलोम करो। चलो अच्छा करके दिखा दो अलोम विलोम। अरे क्या अलोम विलोम करे, अभी तो कुछ करने का मन नहीं हो रहा, बस ही हमारे हाथ में डालो, अलोम विलोम करो, ऐसे ऐसे करो। तो और कपाल भारती करके दिखाओ। चलो क्यों जो? ये आपका अलोम विलोम है, मक्खी ना घुस जाए, शाम के टाइम मत करना। अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो खाली ऐसे ही बैठे हैं। पता चला अलोम विलोम और कपाल भारती के चक्कर में आपके मच्छर और मक्खी नाक में घुस गए, मुंह से आ रहे हैं। फिर जो जो बड़े गुस्से में देख रहा है, अगर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन पाए एक नई वीडियो के लिए। और मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय गाइस, टाटा।